होल डे हम ऊटी से सुबह निकले, फिर हमने बहुत सारे बीच बीच में चीज़ें देखी, जैसे कि हमने पाइन फॉरेस्ट देखा, हमने पाइकरा वाटरफॉल्स देखा, और अब हम मसनगुड़ी पहुंच चुके हैं जहां पे ग्रीन पार्क रिजॉर्ट हमारा रिजॉर्ट है. एंड इनफैक्ट यहां पे हम लोग करने वाले हैं सफारी. सो आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट, क्योंकि मुझे सफारी के नाम से बहुत मज़ा आता है. बट यहां पे आई वांट टू शो यू द रूम्स. ये हमारा रूम है. और ये थोड़ा छोटा वाला मंदो का रूम है. हाँ नहीं, जा सकते हो आप लोग अंदर. सुबह के 6 बज रहे हैं और हम हमारी मधुबलाई सफारी के लिए जा रहे हैं. आपने किए पहले सफारी बर्गर? फर्स्ट टाइम कर रहे हैं. तो हम लोग एक्साइटेड हैं और थोड़े नर्वस भी हैं, क्योंकि ये सिर्फ 1 घंटे की होती है. यूजुअली रणथंभौर, बांधवगढ़, यहाँ पे 2.5-3 घंटे की सफारी होती है. यहाँ पे बांदीपुर और मधुबलाई यहाँ अभी भी 1 घंटे की होती है. सो अभी हम लोग जाकर टिकट लेंगे, क्योंकि अब ऑनलाइन बुकिंग ख़त्म हो चुकी है. ऑन स्पॉट आपको लेना पड़ती है. सो वो करेंगे और बाकी देखते हैं. इफ़ यू आर लकी इनफ टू स्पॉट टाइगर और लेपर्ड. हम लोगों ने टिकट ले ली है. 4,750 रुपये की टिकट आई है हम 4 लोगों की. और ऑप्शन है हमारे पास जिप्सी का. ऐसे आप लोगों के पास बस भी है, कैंटर भी है, इस तरह की जीप भी है. सो अभी चलते हैं, निकलते हैं. ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है. अब बेसिकली इसके कोविड के पहले यहाँ पे एलिफेंट सफारी भी होती थी, वो अब बंद हो चुकी है. तो लुकिंग फॉरवर्ड की कितना मज़ा आता है. आप दोनों पहली बार, आप तो कर चुके हैं ना? हाँ जी. आप कर चुके हैं गाना किस लिए? नमो, आप पहली बार कर रही हैं? इधर देखिए. फर्स्ट टाइम. एंड शी इज़ वेरी एनिमल एंथुसियास्ट. हम निकल गए. कितने टाइगर्स दिखे गाइस? नम्रता बताएगी. सो डियर रिजर्व, इट्स नॉट अ टाइगर रिजर्व. एक्चुअली हमें एक भी टाइगर स्पॉट नहीं हुआ, अनफॉर्चुनेटली. मेरा तो लग खैर होता है, पर इन लोगों ने आज कुछ झोल किया है. पर हमें डियर स्पॉट हुए, और सिर्फ डियर ही स्पॉट हुए. बट इट वॉज गुड. फॉरेस्ट एक्सपीरियंस वॉज बेटर. बट मैं यही कहूँगी कि मधुमलाई करने से अच्छा है आप अगर सफारी करना चाहते हैं तो कोई सी और कर लीजिए. स्पॉटिंग नहीं हो रही यहाँ पर. सो फाइनली हम सुबह 5 बजे के उठे, हमने सफारी की. बहुत डिसअपॉइंटिंग थी. हम मसीनागुड़ी पे रुके हैं, ग्रीन पार्क रिजॉर्ट, और अब यहाँ से हम चेकआउट कर रहे हैं. मुझे लगता है कि
आप अगर सफारी के उद्देश्य से हैं तो आप बंदीपुर कीजिए, मधुमलाई मत कीजिए। और मैं तो ये कहूँगी कि बंदीपुर भी देखिए, समझिए कि कौन सा सीज़न है, फिर ही जाइए। और अगर आप और अच्छा चाहते हैं तो कभी नहीं कीजिए। देखिए, ये हमने जो एक बहुत बड़ा सफारी का एक ये जो जंगल है ये कवर किया है, इसमें ना ये एक ही जंगल है जिसमें तीन सफारी होती है, तीन जगह की होती है। एक नागरहोल जो कि केरला वायनाड की उधर से होती है, और ये बांदीपुर जो कि इधर आता है, कर्नाटका में आता है। और ऑब्वियसली ये वाला जो हमने किया मधुमलाई ये जो आता है ये इधर तमिलनाडु में आता है। तो तीन स्टेट्स हैं जो एक ही फॉरेस्ट को शेयर करते हैं, बट अब देखना ये है कि कौन से फॉरेस्ट का एरिया ज़्यादा खूबसूरत है। तो मधुमलाई मुझे लगा ठीक था, मतलब ट्रैक भी बहुत बड़ा नहीं था, एक घंटे की सफारी थी। बांदीपुर मैं देख नहीं पाई, और सभी का कहना है कि कबीनी नागरहोल बहुत अच्छी है क्योंकि वहाँ पर रिवर सफारी भी होती है। सो अगली बार वो ट्राई करेंगे, पर अभी इजाज़त दीजिए। और कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं बिल्कुल बताऊंगी। और